हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। आज हम बेटा केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं और इसमें हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बहुत सारे बच्चों को बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन बहुत ज्यादा टफ लगती है, परंतु ये बहुत ईजी टॉपिक है और आज हम इसको बहुत ईजी वे में समझने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लहजे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार 2 से 4 नंबर का आता है। आइए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, बैलेंसिंग टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप हमें ये बताइए कि हम बैलेंसिंग करते क्यों हैं। अब आधे से ज्यादा बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम बैलेंसिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एग्जाम में आती है। नहीं बेटा, इसलिए नहीं करते। हम इसलिए करते हैं ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। कौन से लॉ को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बात बोलता है द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें फॉलो कराने के लिए किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है ताकि हम जितना मास रिएक्टेंट में है हम उतना मास प्रोडक्ट में कर सके। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक बैलेंसिंग को। NH3+O2 रिएक्ट विद NO+H2O। अब हमें क्या करना है? इसे एक बैलेंस्ड इक्वेशन बनाना है। क्लियर? तो बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था? इन सब के आगे कोफिशिएंट लिखिए A, B, C, D लिखा है इतना। क्लियर? इसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में बेटा जितने हमारे एलिमेंट दे रखे हैं सबको नोट डाउन करिए। N दे रखा है सर, H दे रखा है सर और O दे रखा है। ये 3 हमारे पास एलिमेंट है कंप्लीट पूरे में। 6। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं बेटा? इसके बाद हम करेंगे सबसे पहले यहां देखें n का कोफिशियंट a है और हमारे पास कितने n है? केवल एक ही है। a इज इक्वल टू, अब इधर n देखिए, n इज इक्वल टू c। यहां भी एक ही है, a इज इक्वल टू c हो गया। क्लियर है? इसके बाद अब जब आप इधर देखोगे तो b में देखिए बेटा, यानी कि h हाइड्रोजन की बात करें पहले, हाइड्रोजन यहां 3 है और 3 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 3 है। इक्वल्स टू अगर आप इधर देखिए हाइड्रोजन तो 2 है, 2 मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 2d। क्लियर है इतना? थर्ड इक्वेशन यहां बनाओगे ओ के लिए तो बेटा यहां है 2, यानी 2b इज इक्वल टू इधर ऑक्सीजन बेटा 1 है c प्लस और एक इधर है d। तीनों इक्वेशन क्लियर है? ठीक। अब जब हमें इतना हो गया तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे किसी एक के लिए। किसके लिए? जो मैक्सिमम बार आया हुआ। अगर a देखा जाए तो a एक यहां है, एक यहां है, यानी मैक्सिमम बार 2 बार आया। c देखें तो सर c भी 2 बार आया। अब डी देखें तो डी भी 2 बार आया और बी 1 बार आया, यानी मैक्सिमम टाइम ए सी डी में से आप कोई भी ले सकते हैं। मान के चलिए मैं ए को ही ले रहा हूं, लेट ए इज इक्वल टू 1। और जब मैंने ए को 1 सपोज किया तो बेटा ए जब बराबर 1 के हुआ तो सीधी सी बात है ए के बराबर सी है तो सी इज इक्वल टू 1 भी हो गया। हुआ कि नहीं? अब बात करें सेकंड वाले पे, तो सेकंड वाले पे क्या देखोगे आप? 3 और ए कितना हमारे पास? 1 इक्वल्स टू 2d। क्या मतलब हुआ? 3 इज इक्वल टू 2d और 2 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू d। ये d की वैल्यू आ गई। क्लियर? इसके बाद जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इधर देखिए आप 2 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू c की वैल्यू बेटा हमने यहां 1 निकाली है प्लस और d की वैल्यू हमारे पास 3 अपॉन 2 है। क्लियर है इतना? यहां हुआ 2 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू इसका एलसीएम बेटा हमने यहां लिया तो आया 2 और 2 का डिवाइड देके यहां लिया तो 2 प्लस इसमें डिवाइड किया तो 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2b। अब ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी हो गया b इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। क्लियर है इतना? चारों हमारे पास a b c d चारों डिजिट्स आ गई। अब हमें करना क्या है? नेक्स्ट स्टेप जहां पर पुट करना है बेटा, यहां पर a b c d की जगह पे इन वैल्यूज को पुट करना है। a का 1 है, b का 5 अपॉन 4 है, c का 1 है और d का है 3 अपॉन 2। अब बेटा
ये अपॉन में है और अपॉन में हम बैलेंसिंग करते नहीं, इसलिए हम किसी एक डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें किस डिजिट का करेंगे? उस डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे जिस डिजिट से ये कंप्लीटली हट जाए। जैसे कि अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 रह जाएगा, हटेगा नहीं, इसलिए हम यहां पर करेंगे 4 का मल्टीप्लाई। अब जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो बेटा यहां हो जाएगा 4, और यहां सर 4 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना? केवल और केवल 5। यहां देखें 4 से मल्टीप्लाई 1 में तो 4 हो गया, और यहां 4 से बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कटेगा ये 4 2 टाइम्स और बचेगा 2 3 जा 6। क्लियर है? अब ये हो गई हमारी एक वैलेंस इक्वेशन। आया समझ? एक और ट्राई करते हैं। हां जी बच्चों, हमारे पास अगली इक्वेशन ये है, NH3 Cl2 react with N2 NH4Cl। अब हमें क्या करना है? इसे बैलेंस्ड करना है। तो हमारे पास वही पहला काम, सबसे पहला काम हमारा क्या है, इस रिएक्शन के कोएफिशिएंट लिखना है, यानी A B C N D। पहला स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप क्या है हमारा? सेकंड स्टेप में हमें पहले वो कंपाउंड लिखने हैं जो कंपाउंड हमें दे रखे हैं, यानी एक नाइट्रोजन है, अगला हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। तीन कंपाउंड यहां प्रोवाइड कर रखे, क्लियर है? इसके बाद अगला काम, इनका मल्टीप्लाई, N का मल्टीप्लाई A से इज इक्वल टू A, और यहां N का मल्टीप्लाई किससे? 2 से, तो यहां हो गया बेटा 2C, और यहां पर एक D, यानी प्लस का D, क्यों? N A के इधर भी है। क्लियर है? इतना क्लियर है? इसके बाद यहां देखिए Cl2, और Cl2 से पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं, H3 और मल्टीप्लाई A के साथ, तो बोलेंगे 3A इज इक्वल टू, यहां कहां है हाइड्रोजन? ये 4 का मल्टीप्लाई D से, यानी 4D। क्लियर है? इसके बाद क्लोरीन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो यहां क्लोरीन देखिए Cl2, यानी B कितने? 2 इज इक्वल टू, जब यहां Cl देखोगे तो केवल और केवल 1, यानी D। क्लियर है इतना? अब बात करेंगे, आप सबसे पहले किसे सेलेक्ट करेंगे? हम उसे सेलेक्ट करेंगे जो मैक्सिमम टाइम्स आया। A को देखो तो 2 बार आया है, C को देखो तो 1 बार आई है, B भी 1 बार आई है, अब बात करें D, 1, 2, 3 बार आई है, तो हम क्या करेंगे? D को मान लेंगे, let D equals to 1। इतना क्लियर है? तो हमने D को 1 माना, तो सबसे पहले इधर देखिए, यहाँ 1 रखा is equal to 2 into B, अब B is equal to 1/2। क्लियर है इतना? क्यों? 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में हो गया। इसके बाद अगर इधर देखते हैं तो 3 is equal to A, यानी कि मल्टीप्लाई में है, A इक्वल्स टू 4 इनटू D, यानी कि 1। यहां हो गया 4, A इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में, अगर आया तो डिवाइड में, 4/3। क्लियर है इतना? इसके बाद अगर हम इसे देखते हैं तो A की वैल्यू पुट करिए हमने बेटा यहां, 4/3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई C और प्लस का 1, और ये 1 प्लस का इक्वल्स के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। बोल सकते हैं 4/3 माइनस का 1 इक्वल्स टू 2 इनटू C। अब यहां क्या करेंगे हम? एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आया 3, और यहां ऊपर क्या रह गया? 4-3 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई सी, और यहां हो गया 1/3 इज इक्वल टू 2C। हुआ इतना? अब इस 2 को मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, यानी 1/6 बराबर किसके होगा? यहां रह जाएगा केवल सी। क्लियर है इतना? अब इतना हुआ हमारे पास, तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? ये सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे जहां पर हमने कोफिशिएंट लिया था। तो A कितना लिया है? A आया हमारा बेटा 4/3, B कितना आया हमारा? 1/2, C कितना आया हमारा? 1/6, और D कितना आया बेटा हमारा? D आया है हमारा 1, यानी 1 तो हमने सपोज ही किया था। अब इसमें जो मैक्सिमम टाइम्स आया है, ताकि जिससे सारे कट जाए वो देखें, तो कौन है? 6। अब 6 का मल्टीप्लाई अगर इधर हम करते हैं तो 3 से कटा 2 बार, और 2 का मल्टीप्लाई 4 में, यानी कि 8। क्लियर है इतना? यह हुआ 8। अब अगर Cl2 को हम देखें तो Cl2 को आप यहां से देख सकते हो, अगर इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट गया कितनी बार? 3 में टाइम, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई हो गया 3। क्लियर है इतना? अब अगर हम इसे देखें तो यहां क्या हो रहा है? 6 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा कितना? केवल और केवल 1, और यहां 6 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो हो जाएगा 6। आया समझ? अब ये इक्वेशन हो चुकी है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर है इतना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। हां जी बच्चों, अगली इक्वेशन देखिए, C4H10 O2 रिएक्ट विद CO2 H2। अब हमें इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था? कोएफिशिएंट लिखिए। कोएफिशिएंट कैसे? A B
सी एंड डी, हर एक कंपाउंड के आगे एबीसीडी लिखिए। उसके बाद अगला नियम ये कहता है कि इन में जितने कंपाउंड है उनके नाम लिखिए। कार्बन है, हाइड्रोजन है और कौन है, ऑक्सीजन है। क्लियर है इतना। इसके बाद जब इनकी इक्वेशन बनाएंगे हम तो 4 का मल्टीप्लाई ए से होगा, यानी कार्बन 4A इज इक्वल टू इधर कितने कार्बन, सी, यानी कि एक ही कार्बन। क्लियर है इतना। इधर देखा हाइड्रोजन को तो 10 का एच मल्टीप्लाई ए, यानी कि 10A इक्वल टू इधर कितने हाइड्रोजन, 2 मल्टीप्लाई डी, यानी कि 2D। क्लियर है इतना। अगली यानी कि ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई बी, यानी 2B इज इक्वल टू इधर कितने ऑक्सीजन, 2 मल्टीप्लाई सी, यानी कि 2C प्लस इधर एक ओ बी है तो प्लस में आया डी। क्लियर है इतना। अब यहां देखिए मैक्सिमम टाइम्स कौन सा आया है, ए को देखें तो 2 बार आया है, सी 1 बार आया, 2 बार आया है, और देखें डी 1 बार, 2 बार, डी भी 2 बार आया, यानी मैक्सिमम 2 बार आई है ज्यादातर वस्तुएं। तो मान सकते हैं ए भी 2 बार आया, तो ए को मान लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू 1। और जब हमने ए को 1 माना तो हम इसमें देख सकते हैं बेटा कि इसमें वैल्यू पुट कर दी ए की, 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू सी, यानी हो गया सी इज इक्वल टू 4। क्लियर है ना। अब बात करें इसकी तो इसमें देखते हैं 10 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू डी। अब यहां 10 है, ये मल्टीप्लाई में धराया, डिवाइड में 2 इज इक्वल टू डी, यानी हो गया डी इज इक्वल टू 5। क्लियर है ना। अब बात करें इधर तो इधर देखिए 2 मल्टीप्लाई जो हमें बी दे रखा है वो पता नहीं है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई सी की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं 4, और यहाँ डी की जगह हमने क्या पुट किया है 5। क्लियर है इतना। अब यहां देखें तो 2 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 4 2 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, और ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में अपॉन 2, 13 अपॉन 2। क्लियर है, सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके बाद जहां जहां हमने कोफिशिएंट लिखे थे उस जगह इनकी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। ए की जगह पे हमने पुट किया किसको, ए की जगह तो हमने अज्यूम किया था 1, यानी कि 1। बी की जगह पे किसे पुट किया 13/2, सी की जगह पे पुट किया 4 को, और डी की जगह पे हमने पुट किया 5 को। अब डिवाइड में क्या है केवल 2, तो मल्टीप्लाई किसका होगा, केवल और केवल 2 का। पूरी रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई, 1 में 2 का हुआ तो यहां हो गया 2, इसमें 2 का हुआ तो 2 से 2 बच गया, बचा कितना केवल 13, इधर 2 का मल्टीप्लाई तो ये हो गया 8, और इधर 2 का मल्टीप्लाई तो ये हो गया 10। अब आप देख सकते हो ये एक बैलेंस इक्वेशन बन चुकी है। आया समझ। एक और रिएक्शन देखते हैं, अगली रिएक्शन देखो, CuO plus NH3 react with Cu plus N2 plus H2O। ये हमें रिएक्शन दे रखी है। सबसे पहला काम क्या है हमारा, कोफिशिएंट लिखना, A B C D और E। कहने का मतलब है आप जितने कोफिशिएंट जितने दे रखे हैं आप उतने ही कोफिशिएंट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज हमारी क्या है कि हमें लिखना है यहाँ पर नाम एलिमेंट्स के। Cu है हमारे पास, O है हमारे पास, N है और हमारे पास H। ये हमारे पास 4 कंपाउंड दिए गए। अगला काम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, यानी A इज इक्वल टू इधर देखिए C, A इज इक्वल टू C हो गया। क्लियर है। इसके बाद अगला स्टेप O का, O का मल्टीप्लाई A से, A इज इक्वल टू इधर देखिए O का मल्टीप्लाई E से, यानी कि E, A इज इक्वल टू E हो गया। क्लियर है। इसके बाद जब N की बात करें तो आप N देख सकते हो, N का मल्टीप्लाई B से हुआ तो B इज इक्वल टू N का मल्टीप्लाई इधर हुआ D से, परंतु कितना D, 2D। क्लियर है। अगला देखें हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देखिए यहां पर E दे रखा है, मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, और इधर हाइड्रोजन दे रखा है 3 मल्टीप्लाई हुआ है B से, तो यानी बोल सकते हैं 3B बराबर 2E। क्लियर है इतना। अब यहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स कौन सी डिजिट आई है बेटा, A A B B E E। कहने का मतलब है हर डिजिट 2 बार आई है, तो हम किसी को भी ले सकते हैं। जैसे कि B को मान लीजिए, लेट B इज इक्वल टू 1, हमने B को 1 माना है, तो हम क्या करेंगे पहले B वाले को सॉल्व करेंगे, A वाले को तो हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, तो B वाले को सॉल्व करिए, यहां लगाइए 1 इज इक्वल टू 2D और D इज इक्वल टू 1/2, ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में हो गया। क्लियर है। इसके बाद दूसरा देखें तो इधर देखिए 3 मल्टीप्लाई बी, यानी कि 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ई। क्लियर है इतना। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 3/2 इज इक्वल टू ई, ये हो गया ई के साथ। क्लियर है। अब इधर ए के साथ आए तो ए कितना है, ए हमें पता नहीं, ई कितना है हमारा 3/2, तो ए इज इक्वल टू 3/2। क्लियर है।
अब जब a इतना है तो a की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, 3/2 = c। क्लियर है, हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है। अब इन वैल्यूज को कोफिशिएंट की जगह पे पुट करना है बस। यानी कि a क्या है, a है हमारा 3/2, b क्या है हमारा, b हमें 1 माना था, c क्या है बेटा हमारा, c हमारा 3/2 है, d हमारा क्या है, d हमारा 1/2 है, और e हमारा क्या है, e 3/2 है। सबके नीचे 2 दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 2 के साथ पूरी इक्वेशन में, और जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 से 2 कट गया तो बचा कितना, केवल 3। यहां 2 से मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो यहां आया 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये हट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये भी कट जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये भी कट जाएगा, बची ये वैलेंस इक्वेशन। आया समझ, आज का टॉपिक हम यहीं खत्म कर रहे हैं। अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए अगर नया पार्ट आपको चाहिए तो। ठीक है, थैंक यू।